हेलो एवरीवन, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने हुक के नियम के बारे में अध्ययन किया था। किस प्रकार से किसी भी द्विपरमाणु अणु या अणु में बंधित परमाणुओं के बीच कंपन आवृत्ति या तरंग संख्या का मान किस प्रकार से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, उसके बारे में अपनों ने पढ़ा था। और हुक के नियम के माध्यम से हम किसी भी बंधित परमाणुओं के बीच की कंपन आवृत्ति या तरंग संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस तरंग संख्या या कंपन आवृत्ति पर बंध सामर्थ्य, सामान्य द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का मतलब होता है प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, अनुनाद, मेजोमेरिक प्रभाव। इसका तरंग संख्या या कंपन आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और बंध सामर्थ्य का और सामान्य द्रव्यमान की वजह से तरंग संख्या का किस और विस्थापन होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अवरक्त स्पेक्ट्रम में कोई भी बैंड किस जगह पर अर्थात उसकी तरंग संख्या किस जगह पर या किस तरंग संख्या पर वह अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, इसकी गणना हम हुक के नियम के माध्यम से निम्न सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अपने हुक के नियम के द्वारा हम तरंग संख्या का ज्ञात करने के लिए सूत्र डिराइव किया था, न्यू बार, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ हिंदी में कैसे बोला जाएगा इसको, न्यू बार बराबर 1/2πc अंडर रूट के अपन म्यू। ठीक है, तो एक को म्यू बोला जा रहा है और एक को न्यू बोला जा रहा है। आप थोड़ा ध्यान दें प्रोनाउंसिएशन को। के बल नियतांक है जो बंध सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम पूरी डिटेल इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। म्यू सामान्य द्रव्यमान है, m1 m2 upon m1 plus m2। सी प्रकाश का वेग है, न्यू बार की तरंग संख्या है। ठीक है, तो किसी भी बंध की या किसी अवरक्त स्पेक्ट्रम में बैंड किस जगह पर अर्थात किस तरंग संख्या पर प्राप्त होगा, उसको हम निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब बंध सामर्थ्य के सामान्य द्रव्यमान म्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला है प्रबल बंध। अगर आपका बंध है वो प्रबल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसके लिए बल नियतांक का मान अधिक होता है। और दुर्बल बंध के लिए मतलब वीक बॉन्ड के लिए बल नियतांक के का मान कम होता है। और सूत्र के द्वारा हम जानते हैं कि न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट के, और अंडर रूट के और यहाँ पे के क्या है, बल नियतांक है। अगर बल नियतांक या बंध सामर्थ्य का मान जितना ज़्यादा होगा, उतना ही तरंग संख्या का मान ज़्यादा प्राप्त होता है। और हम पहले से जानते हैं कि एकल बंध की तुलना में द्विबंध ज़्यादा मजबूत होता है, और द्विबंध की तुलना में त्रिबंध आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बल नियतांक के का मान ज़्यादा होगा, द्विबंध का उससे थोड़ा कम, और एकल बंध का सबसे कम होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी की जो तरंग संख्या की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2150 cm². सी डबल बॉन्ड सी तरंग सी डबल बॉन्ड सी का जो द्विबंध है उसके लिए जो तरंग संख्या है, उनके बीच में जो कंपन होने की जो तरंग संख्या है वो है 1650 cm², और सी सिंगल बॉन्ड सी बंध के बंध की कंपन आवृत्ति है आपकी 1200 cm². मतलब बंध की प्रबलता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तरंग संख्या न्यू बार या तरंग आवृत्ति कंपन आवृत्ति का मान बढ़ता है। ठीक है,
क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी आपका प्रबल बंद है, क्योंकि यहाँ पे तीन बंद हैं, तो प्रबल बंद जितना ज़्यादा प्रबल होगा उतना ही बल निर्तांक के का मान ज़्यादा होगा, बंद सामर्थ्य ज़्यादा होगी, और बंद सामर्थ्य जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तरंग संख्या न्यू बार का मान ज़्यादा आएगा, क्योंकि हुक के नियम के अनुसार न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, ठीक है। और त्रिबंध के लिए बल निर्तांक का मान ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे तरंग संख्या का मान भी सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए ज़्यादा है, जो कि कितना है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं तरंग संख्या पर सम्मानित द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही हुक के नियम के द्वारा अपन जो सूत्र लिखा है उसके माध्यम से अपन बता सकते हैं कि न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, मतलब जो तरंग संख्या होती है वह सम्मानित द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो तरंग संख्या का मान घटेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रखा है कि सी एच तनन कंपन लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होता है। कब? सी एच तनन कंपन, जो सी एच बंद है उसका जो तनन कंपन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, उसकी तरंग संख्या 3000 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब इस सी एच में से हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा परमाणु लगा दिया जाए, कोई दूसरा परमाणु शिफ्ट विस्थापित कर दिया जाए, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इन सभी का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन को किसी दूसरे परमाणु से, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन से विस्थापित कर दिया जाता है, तो तरंग संख्या न्यू बार का मान कम प्राप्त होता है, मतलब मान घटता जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपके दे रखा है सी एच तरंग, सी एच बंद की तरंग कंपन की आवृत्ति 3000 सेंटीमीटर इनवर्स है, सी सी बंद की जो कंपन आवृत्ति है या तरंग संख्या आप कह सकते हैं इसको 1200 सेंटीमीटर इनवर्स है, सी ओ 1100 सेंटीमीटर इनवर्स है, सी सी एल 800 सेंटीमीटर इनवर्स है, सी बी आर की कंपन आवृत्ति या तरंग संख्या 550 सेंटीमीटर इनवर्स है, सी आई आपकी 500 सेंटीमीटर इनवर्स है। मतलब द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तरंग संख्या न्यू बार का मान घटता जाता है, क्योंकि न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, मतलब सम्मानित द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सम्मानित द्रव्यमान बढ़ेगा तो न्यू बार का मान घटेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो न्यू बार घटेगा, ठीक है। तो ये बंद सामर्थ्य और बंद सामर्थ्य के तो समानुपाती होता है और सम्मानित द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है सी एच तनन कंपन संकरण अवस्था से भी प्रभावित होता है, ठीक है। एक संकरण का इफेक्ट भी अपन देखेंगे, तो संकरण अवस्था से भी प्रभावित होता है और विभिन्न संकरण अवस्था में बंध की प्रबलता अलग अलग होती है, ठीक है। बंध की प्रबलता की वजह से यहाँ पर तरंग संख्या के मान में कमी या बढ़ोतरी होती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि SP संकरण अवस्था है तो उसकी बंध प्रबलता ज़्यादा होगी, SP2 की उससे कम होगी और SP3 की सबसे कम होती है। तो बंध प्रबलता के आधार पर अपन इसको समझा सकते हैं कि संकरण की वजह से भी CH तरंग कंपन की आवृत्ति या तरंग संख्या का मान प्रभावित होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड CH बंद जो है उसकी आवृत्ति या तरंग संख्या कितनी है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, डबल बॉन्ड CH बंद की जो तनन आवृत्ति है वो कितनी है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, और सिंगल बॉन्ड CH बंद की जो तरंग संख्या आवृत्ति है वो 2900 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH है उसमें कार्बन की जो संकरण अवस्था है वो आपकी SP संकरण अवस्था है, डबल बॉन्ड CH बंद में जो कार्बन है वो आपका SP2 संकरित है, और सिंगल बॉन्ड CH बंद है वो आपकी SP3 संकरित अवस्था है, और SP संकरित जो कार्बन है उसकी बंध प्रबलता अधिक होती है, इस वजह से उसकी तरंग संख्या का मान भी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अभी तक आपने पढ़ा बल निर्तांक, बंध सामर्थ्य के इफेक्ट, सम्मानित द्रव्यमान का इफेक्ट और संकरण अवस्था का इफेक्ट,
तो संकरण अवस्था में एसपी जो संकरित कार्बन जो होता है उसकी बंध प्रबलता ज़्यादा होती है, इस वजह से उसकी तरंग संख्या का मान भी हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इफेक्ट देखेंगे अनुनाद या संयुग्मन के कारण। तो अनुनाद के कारण बंध लंबाई का मान, बंध लंबाई एवं उसकी प्रबलता दोनों प्रभावित होती हैं। ठीक है, अनुनाद की वजह से बंध लंबाई एवं उसकी प्रबलता दोनों प्रभावित होती हैं। अगर बंध लंबाई एवं बंध प्रबलता प्रभावित होती है तो तरंग संख्या के मान में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक सामान्य कोई कीटोन है उसमें कार्बोनिल समूह की जो तरंग संख्या है, कार्बोनिल समूह को जो तनन कंपन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, वह हमें 1715 मतलब लगभग 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हमें प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही एक द्विबंध इस कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में उपस्थित होता है तो यह तरंग संख्या का मान लगभग विस्थापित हो जाता है 1675 सेंटीमीटर इनवर्स से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यह आपका विस्थापित हो जाता है। तो द्विबंध कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन में उपस्थित होने की वजह से यहाँ पर कार्बोनिल समूह व द्विबंध में अनुनाद पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्बोनिल समूह में सी डबल बॉन्ड ओ की बंध प्रबलता या बंध सामर्थ्य का मान कम हो जाता है, जिसकी वजह से तनन कंपन 1715 सेंटीमीटर इनवर्स से 1675 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स तक विस्थापित हो जाता है। मतलब अनुनाद और संयुग्मन की वजह से बंध सामर्थ्य में कमी आती है और बंध सामर्थ्य में कमी आती है, इस वजह से तरंग कंपन कम तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाता है। तो अनुनाद की वजह से तरंग आवृत्ति या तरंग कंपन की जो आवृत्ति है वो कम तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है या बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है संयुग्मन इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की अपन बात करें, जैसे कि अपन अभी बात करें अनुनाद, इसके अलावा प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसकी वजह से भी तरंग कंपन आवृत्ति के मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि इसकी वजह से बंध सामर्थ्य में कमी या बढ़ोतरी होती है। बंध सामर्थ्य में कमी या बढ़ोतरी होगी या कमी या बंध सामर्थ्य में कमी या अधिकता होगी तो तरंग संख्या के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जिसमें अपन देख रहे हैं सबसे पहले प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव की वजह से बंध सामर्थ्य में कमी आती है। ठीक है, बंध प्लस आई प्रभाव से क्या होता है, बंध सामर्थ्य में कमी आती है और बंध सामर्थ्य में कमी आएगी तो तरंग संख्या के मान में भी कमी आएगी, क्योंकि बंध सामर्थ्य या बल नियतांक के समानुपाती होती है तरंग संख्या। बंध सामर्थ्य घटेगी तो तरंग संख्या के मान में भी कमी आएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ की जो तरंग संख्या की जो तरंग संख्या है वो आपकी 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होती है, जबकि आपका एसिड एल्डिहाइड CH3CHO में कार्बोनिल समूह की जो तरंग संख्या है वो हमें 1745 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होती है, मतलब प्लस 5 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे कम हो गई। फिर आपने लिया एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ की जो तरंग संख्या है वह आपकी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर CH3CHO एसिड एल्डिहाइड में एक CH3 समूह का प्लस आई इफेक्ट है, अतः यहाँ पे बंध सामर्थ्य में सी डबल बॉन्ड ओ के बंध सामर्थ्य में कमी आई और तरंग संख्या का मान कम हो गया। अब आप एसीटोन में दो मेथिल समूह के प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं तो बंध सामर्थ्य में सी डबल बॉन्ड ओ के बंध सामर्थ्य में और ज़्यादा कमी आने की वजह से तरंग संख्या का मान और ज़्यादा कम हो गया, मतलब प्लस आई इफेक्ट की वजह से तरंग संख्या के मान में कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट अपन देखते हैं संयुग्मन या अनुनाद के कारण। अभी अपन ने पढ़ा संयुग्मन एवं अनुनाद की वजह से बंध सामर्थ्य में कमी आती है और बंध सामर्थ्य में कमी आती है तो तरंग संख्या के मान में भी कमी आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप पहला एग्जांपल देख रहे हैं CH3 CH3, तो यहाँ पे जो तरंग संख्या की जो आवृत्ति है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त हो रही है। अब
इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, उस दूसरे एग्जांपल में एक द्विबंध आ गया है। जो द्विबंध है आपका वो कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन में है, एकांतरक्रम में उपस्थित है, जो सी डबल बॉन्ड ओ के बंध सामर्थ्य के बंध सामर्थ्य को कम करता है। इस वजह से इसकी तरंग संख्या का मान भी कम प्राप्त होता है, जो कितना होता है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। फिर आप उसका तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं, कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे अनुनाद और ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से यहाँ पे ये भी आपका लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे तरंग संख्या पर अवशोषण बैंड देगा। ठीक है, तो संयुग्मन एवं अनुनाद की वजह से भी बंध सामर्थ्य में कमी आती है, तो तरंग संख्या का मान घटेगा। लेकिन माइनस आई प्रभाव की वजह से बंध सामर्थ्य में बढ़ोतरी होती है, बंध सामर्थ्य में बढ़ती है। बंध सामर्थ्य का मान क्या होता है? बढ़ता है, जिसकी वजह से तरंग संख्या के मान में भी बढ़ोतरी होगी, मतलब तरंग संख्या के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्लस आई एवं संयुग्मन या अनुनाद की वजह से तरंग संख्या का मान कम हो जाता है, जबकि माइनस आई प्रभाव की वजह से तरंग संख्या के मान में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन बंध का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तरंग संख्या पर हाइड्रोजन बंध का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम हाइड्रोजन बंध को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण बंधन में भाग लेने वाले दो समूह के बल नेतांग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बंध की वजह से, हाइड्रोजन बंधन की वजह से जिन दो परमाणुओं में हाइड्रोजन बंध हो रहा है उसके बल नेतांग के मान में परिवर्तन हो जाता है, और बल नेतांग के मान में परिवर्तन होने से तरंग संख्या के मान में भी परिवर्तन होता है। सामान्यतः हाइड्रोजन बंध की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बंध सामर्थ्य में कमी आती है, और बंध सामर्थ्य में कमी आने की वजह से तरंग संख्या का मान भी कम आवृत्ति की ओर या तरंग संख्या का मान कम तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन बंध की वजह से बंध सामर्थ्य में कमी होती है, और बंध सामर्थ्य में कमी होने की वजह से तरंग संख्या के मान में भी कमी आएगी। मतलब हाइड्रोजन बंध की वजह से तरंग संख्या कम तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, अंतः अणुक एवं अंतरा अणुक, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब यह होता है कि अणु के अंदर ही एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जबकि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का मतलब यह होता है कि यह दो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अंतः अणुक एवं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध दोनों पर ताप का प्रभाव समान पड़ता है, लेकिन सांद्रता का प्रभाव दोनों पर अलग अलग होता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधन पर सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, जबकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0.01 m की नीचे से नीचे की सांद्रता पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, जबकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और सांद्रता में कमी की जाएगी, अगर सांद्रता में कमी करने पर अवशोषण बैंड की आवृत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता में परिवर्तन करने पर आईएस स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या अवशोषण बैंड की आवृत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस अणु में कौन सा हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। और इस प्रकार से हम आईआर स्पेक्ट्रम के माध्यम से या आईआर स्पेक्ट्रा की सहायता से अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध एवं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध में विभेद कर सकते हैं, क्योंकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है वह सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध सांद्रता पर निर्भर
नहीं करता है। यदि आपने सांद्रता में परिवर्तन किया तो अवशोषण बैंड की जो तरंग संख्या है उसके मान में कोई वृद्धि या कोई कमी नहीं होती है। इसका मतलब उस अणु या यौगिक में अंतः अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता की वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर सांद्रता में परिवर्तन की वजह से तरंग संख्या के मान में कमी या वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, क्योंकि अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रा के माध्यम से हम किसी भी अणु या यौगिक में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध उपस्थित है इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, उसका विभेद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है बंध कोण। तो बंध कोण के मान में कमी से कंपनशील बंध का सामर्थ्य बढ़ जाता है और अवशोषण बैंड भी अधिक तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाता है। मतलब बंध कोण का मान कम होता है तो बंध सामर्थ्य बढ़ता है, और बंध सामर्थ्य बढ़ेगा तो तरंग संख्या का मान भी बढ़ता है। ठीक है, लास्ट प्रभाव है संयुग्मित कंपन, कपल्ड वाइब्रेशन। जब दो आवर्तित बंधों के मध्य उभयनिष्ठ परमाणु उपस्थित होता है तो दोनों बंधों की तनन आवृत्ति संयुग्मित होकर दो नए संयुग्मित कंपन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपका एग्जांपल दे रखा है, पृथक सीएच बंध के लिए केवल एक तनन आवृत्ति होती है। एक पृथक सीएच बंध है केवल, तो उसमें केवल एक तनन कंपन आवृत्ति होगी, लेकिन CH2 समूह उपस्थित है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन परमाणु एक उभयनिष्ठ कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो संयुग्मित कंपन की स्थिति यहाँ पे CH2 समूह में बनती है। तो CH2 समूह के दो CH बंधों के तनन कंपन संयुग्मित होकर दो भिन्न आवृत्ति वाले संयुग्मित कंपन उत्पन्न करते हैं। तो दो CH बंध की तनन आवृत्ति आपस में मिलकर दो भिन्न आवृत्ति के तनन कंपन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दो भिन्न आवृत्ति वाले इन्हीं कंपन को हम क्या बोलते हैं, संयुग्मित कंपन कहते हैं, जिनका नाम दिया गया है सममित तनन कंपन एवं असममित तनन कंपन। ऐसे दूसरा और एग्जांपल है आपका NH2 समूह, प्राथमिक एमिन समूह और प्राथमिक एमाइड समूह CONH2। तो यहाँ पे CH2 समूह जिस प्रकार से है उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक उभयनिष्ठ कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे दो CH जो तनन कंपन है आपस में मिलकर संयुग्मित होकर दो भिन्न आवृत्ति वाले संयुग्मित कंपन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम सममित तनन कंपन एवं असममित तनन कंपन कहते हैं। तो ये आपने पढ़े तरंग संख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आपने पहला पढ़ा बंध सामर्थ्य बढ़ता है तो तरंग संख्या का मान भी बढ़ता है, क्योंकि न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के। सेकंड आपने पढ़ा सम्मानित द्रव्यमान बढ़ता है तो तरंग संख्या का मान घटता है, क्योंकि न्यू बार तरंग संख्या सम्मानित द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा आपने इफेक्ट पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की वजह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में आपने पहला पढ़ा प्लस आई प्रभाव की वजह से बंध सामर्थ्य में कमी आती है, अतः तरंग संख्या का मान कम तरंग संख्या की ओर विस्थापित होता है। नेक्स्ट उसके बाद आपने पढ़ा संयुग्मन प्रभाव या अनुनाद प्रभाव, तो संयुग्मन एवं अनुनाद की वजह से भी बंध सामर्थ्य में कमी आती है और तरंग संख्या कम आवृत्ति या कम तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाता है। माइनस आई प्रभाव की वजह से बंध सामर्थ्य में वृद्धि होती है तो तरंग संख्या के मान में भी वृद्धि होती है। अब उसके बाद हाइड्रोजन बंध की वजह से बंध सामर्थ्य में कमी आती है, अतः तरंग संख्या के मान में भी कमी आती है। बंध कोण का मान कम तो बंध सामर्थ्य ज़्यादा तो तरंग आवृत्ति या तरंग संख्या का मान बढ़ता है। और लास्ट नंबर पर संयुग्मित कंपन। ओके, थैंक्स।